Hi friends, good afternoon. Hope you are well. Friends, thank you for subscribing to my channel and liking my videos. Guys, we are now 95 members and we are growing every day. So we are going to hit 100 now and I'm very happy to share this with you. So friends, actually, main ek stats dekh raha tha pichle saal ke kuch ICOs, last year ka kya रेशियो रहा है सक्सेस एंड फेलियर का. सो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस टू यू क्योंकि बहुत ICOs आजकल आ रहे हैं और काफ़ी हाइप है, फोमो है इन रिगार्ड्स टू द ICOs एंड एवरीवन यू नो वांट्स टू जंप इन एंड कैच द ट्रेन. सो लेट्स लुक एट द सम स्टैट्स एंड माय स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग ICOs इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट बुकिंग एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. सो गाइज, हम इस वीडियो में जानेंगे कि ICO का परफॉर्मेंस क्या रहा है लास्ट ईयर का और किस तरह से ICO में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट, दिस वीडियो इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पस, नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड इन्वेस्ट एज पर योर रिस्क एपेटाइट. सो फ्रेंड्स, ये स्टैट्स मैं देख रहा था, 46% ऑफ लास्ट ईयर्स ICO हैव फेल्ड ऑलरेडी. तो मैं देख रहा था और दिस इज़ नॉट न्यू टू मी बिकॉज व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स प्रोजेक्ट्स, फेलियर का जो रेशियो है दैट इज़ 70-75%, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ. लेकिन मैं इसको इस वीडियो में ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करें, सोच के समझ के, हाइप में ड्राइव होकर इन्वेस्ट ना करें. इंडिया के अंदर मैं कई ऐसे यूट्यूबर्स को देखता हूँ, बेसिकली हिंदी चैनल्स के, जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और वो काफ़ी जंक ICOs और बिल्कुल नॉनसेंस प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करते हैं. लाइक डिकाडो एक था, पोंजी स्कीम है, अगेन वो लेंडिंग का कुछ है उनका, फिक्स्ड इंटरेस्ट का, ATC कॉइन है, MCAP है, डोजी कॉइन है. सो दीज सॉर्ट ऑफ कॉइन्स एंड दीज टाइप ऑफ ICOs पीपल आर प्रमोटिंग एंड आई रियली यू नो फील बैड अबाउट द इन्वेस्टर्स जो पैसे लगाते हैं इन प्रोजेक्ट्स में. सो गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ICOs आर इवन रिस्कियर देन यू थिंक. गिवन इनफ टाइम, एवरीथिंग विदर्स एंड डाइज, फ्रॉम द मोस्ट रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस टू द मोस्ट पॉपुलर क्राउड सेल्स. नो वन एक्सपेक्टेड ऑल ऑफ द 2017 ICOs टू लास्ट द कोर्स. द पेस एट विच दे हैव विदर्ड एंड डाइड मे कम एज अ सरप्राइज दो. तो इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जितने फास्ट स्पेस पे ये स्पेस चल रहा है क्रिप्टो, उतने ही फास्ट स्पेस पे ये ICOs जो हैं, जो स्टार्टअप्स जो हैं, वो दे आर ऑल्सो डाइंग. यहाँ पे अगर आप स्टैट्स देखोगे, ICO टोकन डेटा एक वेबसाइट है जो जहाँ पे आप ICOs चेक कर सकते हो कौन से ICOs आ रहे हैं. तो 902 ICOs को लिस्ट किया है उन्होंने अपने लिस्ट में एंड आउट ऑफ दीज 142 फेल्ड. मतलब 902 में 142 ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि दे आर फेल्ड एंड फर्दर 276 हैव सिंस फेल्ड, इधर ड्यू टू टेकिंग द मनी एंड रनिंग और स्लोली फेडिंग इनटू ऑब्सक्यूरिटी. दिस मींस दैट 46% ऑफ लास्ट ईयर्स ICO हैव ऑलरेडी फेल्ड. तो इसमें यह बताया जा रहा है कि 46%, यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ ICOs जो फेल हुए उनका लिस्ट है, स्विश कॉइन, बिटकॉइन गो, चेंस ऑफ, नाम ही इतना इनका बेकार है, यू कैन जस्ट यू नो जज बाय द नेम. द नंबर ऑफ ICOs दैट आर स्टिल गोइंग इज अ गोइंग कंसर्न इज एक्चुअली इवन लोअर. एन एडिशनल 113 ICOs कैन बी क्लासिफाइड एज सेमी फेल्ड, इधर बिकॉज देयर टीम हैज स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग ऑन सोशल मीडिया और बिकॉज देयर कम्युनिटी इज सो स्मॉल एज टू मीन द प्रोजेक्ट हैज नो चांस ऑफ सक्सेस. सो दिस मीन्स that 59% of last year's crowd sales are either confirmed failures or failures in the making. So overall 59% ka figure hai, 46% confirmed hai aur jo kuch hain wo actually they are not communicating social media pe aur koi bhi news nahi hai, kuch bhi development nahi hai. This means for 59% ka ratio nikal ke aa raha hai aur kafi short time period mein. देखो, मेनी ऑफ द डेड ICOs वर डूम्ड फ्रॉम द स्टार्ट. इट विल कम एज नो सरप्राइज टू लर्न द प्रोजेक्ट सच एज क्या है, स्लिट कॉइन, नेवर डाई एंड जीरो ट्रैफिक,
डिडंट मेक इट. सो इस तरह के जो नाम हैं, और अगर आप टीम को देखोगे तो आप जज कर सकते हो. मेनी ऑफ द 531 ICUs दैट हैव फेल्ड और आर फेलिंग फ्रॉम लास्ट ईयर लुक स्केची फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. जैसे कि मैंने बताया, स्टार्टिंग से ही नाम ऐसा होगा, टीम ऐसी होगी, एडवाइजर्स नहीं होंगे. तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ICUs को. सो गाइज, ये जो है, ये रिस्क है ICU में इन्वेस्टमेंट का, और यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सको. मेरा मोटिव यही होता है कि मैं इस चैनल पे क्वालिटी कंटेंट लाऊं जिससे आपका बेनिफिट हो. ऐसा कुछ नहीं कॉपी पेस्ट कि आपने, मैंने आपको कॉइन बता दिया, आपने ले लिया, आपको प्रॉफिट हो. मैं आई वॉन्ट यू टू इनेबल कि आप खुद से रिसर्च करो और खुद इस चीज़ को सीखो और खुद इन्वॉल्व हो इसके अंदर. सो दैट इज़ वॉट माई मोटिव इज. सो गाइज, ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है, दिस इज़ फॉर ड्यू डिलीजेंस. ICO का क्या ड्यू डिलीजेंस, कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, और किस तरीके से हम इन्वेस्ट करके अपने रिस्क को कम से कम मिनिमाइज कर सके और मिटिगेट कर सके. सो गाइज, ये मैंने एक चेकलिस्ट बनाया है. दिस इज़ माई चेकलिस्ट बिफोर वी इन्वेस्ट इन टू ICOs. सो दीज आर सम बुलेट पॉइंट्स आई हैव हाईलाइटेड. यहाँ पे अगर आप देखोगे, टीम, वाइट पेपर, आइडिया, टोकन यूटिलिटी, MVP दैट इज़ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, प्रोटोटाइप जो होता है, जो प्रोजेक्ट है वो अल्फा बीटा फेज में है या फुल्ली फंक्शनल है, कंपटीशन कैसा है, कंपटीशन और स्पेस कितना है ग्रोथ के लिए, टोकन मेट्रिक्स कैसा है, हार्ड कैप क्या है, टोकन की सप्लाई कितनी है, टीम का बोनस कितना है, और जो फाउंडर्स हैं, जो टीम के पास टोकन्स है, उसका वेस्टिंग लॉकअप पीरियड क्या है, सोशल मीडिया में प्रेजेंस कैसा है, हाइप कितनी है. सो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं गाइज, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, और कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने आगे थोड़ा डिटेल में भी बताने की कोशिश की है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स लुक इनटू डिटेल. टीम जब बात आती है तो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है टीम. सो द टीम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिविविंग एन ICO. अ गुड टीम इज मच मोर लाइकली टू सेल आउट एन ICO. जो टीम होती है, टीम का पास्ट रिकॉर्ड्स क्या है, टीम का जो फाउंडर है, को फाउंडर है, जो की मेंबर्स हैं, उनका रिकॉर्ड्स कैसा रहा है, किस तरह की कंपनीज में उन्होंने वर्क किया है, किस तरह के बिजनेसेस को उन्होंने सक्सेसफुली चलाया है, रन किया है, दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अ गुड टीम इज ऑल्सो मोर लाइकली टू सक्सीड विद द प्रोजेक्ट एंड ग्रो द वैल्यू ऑफ योर टोकन्स लॉन्ग टर्म. जो टीम अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, और आपके टोकन का भी वैल्यू लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है. अ स्ट्रॉन्गर टीम ऑन पेपर मेक्स द ICO मोर पॉपुलर, विच हेल्प्स बिल्ड हाइप, विच इन टर्म्स प्रमोट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ वेन द कॉइन हिट्स एक्सचेंजेस. जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है, जो पेपर पर दिखती है, वो ICOs को और पॉपुलर बनाती है, और जब और हाइप भी बिल्ड क्रिएट करती है. अगर अच्छी टीम है तो हाइप भी क्रिएट होता है, और लॉन्ग टर्म में टोकन का प्राइस, कॉइन का प्राइस अप्रिशिएट करता है जब एक्सचेंज पे आता है. वाइट पेपर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. मैं वाइट पेपर भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल वाइट पेपर बनाना बहुत आसान है, एंड पीपल कैन राइट एनीथिंग. सो वाइट पेपर में खाली टेक्निकल चीज़ों को लिखना, एम्बिशियस प्रोजेक्ट को दिखाना, ऐसा नहीं होना चाहिए. वाइट पेपर क्लियर कट होना चाहिए. वाइट पेपर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे प्रोजेक्ट्स को समझाने की कोशिश की जाए, रोड मैप क्या है, और जो ऑडियंस है वो समझ पाए कि किस तरीके का कंपनी का लाइन ऑफ बिजनेस है. सो वाइट पेपर हैज़ टू गो इनटू डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट एंड नॉट जस्ट यूज़ एम्बिग्यूटी, टेक्निकल स्पीक एंड हाइप टू साउंड लाइक अ गुड प्रोजेक्ट. तो जैसा कि मैंने बताया, वाइट पेपर को आप बहुत बड़ा भी बना दो, 100 pages का, 50 pages का, और जस्ट यू नो, जस्ट टू क्रिएट हाइप एंड साउंड लाइक अ गुड प्रोजेक्ट. अभी मैं एक सील का भी कुछ वाइट पेपर देख रहा था. एक्चुअली काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है सील को लेके, उसकी टीम में वाइट पेपर भी मैं देख रहा था. एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, और दे आर ट्राइंग टू बी यू नो साउंड लाइक अ गुड प्रोजेक्ट. सो दैट अगेन वी हैव टू सी. सो वाइट पेपर बिल्कुल क्लियर एंड कट होना चाहिए, वेरी क्लियर. सम ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैव वेरी क्लियर, नो नॉनसेंस वाइट पेपर्स. मूविंग ऑन, टोकन इकोनॉमिक्स एंड हार्ड कैप. सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. टोकन का हार्ड कैप जितना लो होगा, प्राइस अप्रिसिएशन के चांसेस उतना ज़्यादा होगा.
So if the project is trying to raise too much money, is keeping the majority of tokens for itself and not vesting or locking the founder tokens up for a decent period of time, like 1 year or more, or has some other questions around the numbers in its token sale, you may not want to jump in. So agar project bahut zyada money grab hai aur bahut paisa raise karna chahta hai aur जो फाउंडर्स हैं टीम के जो की मेंबर्स हैं और अपना टोकन्स को लॉक नहीं कर रहे हैं तो दीज आर नॉट अ गुड साइन. एनी हार्ड कैप ओवर 40 मिलियन इज नॉट आइडियल बट इट डिपेंड्स हाउ वेल द कंपनी कैन जस्टिफाई इट. फुल स्टैक डेवलपर्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी पर ईयर एंड पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेट हाउ मच मनी अ प्रोजेक्ट रियली नीड्स इन ऑर्डर टू सक्सीड. सो गाइज हार्ड कैप जो प्रोजेक्ट का होना चाहिए 40 मिलियन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ओवर डिमांडिंग होता है इन माय ओपिनियन. सो मेरे हिसाब से जो हार्ड कैप होना चाहिए दैट इज़ समवेयर अराउंड 10-15 to 40 million इज़ अ स्वीट स्पॉट. अगर और भी हम फैक्ट्स को कंसिडर करें तो आजकल डिवेलपर्स की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है पर ईयर. सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट गाइज. आई एम ओके इवन इट इज़ मोर देन 40 million. अगर प्रोटोकॉल है, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉकचेन टाइप का प्रोजेक्ट है तो इट कैन बी लाइक 50, 60 or 100 million. सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट. अब जैसा कि वॉनचेन प्रोजेक्ट है, इथीरियम टाइप का प्रोजेक्ट है, नियो जैसा प्रोजेक्ट, सो ब्लॉकचेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्चुअली 1 billion का मार्केट वैल्यूएशन होता है उनका, यू नो, इन मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म. सो अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई, बट इन जनरल आई थिंक 10 to 40 million का एक हार्ड कैप स्वीट स्पॉट है और एक डिसीजन लेने के लिए एक अच्छा ये नंबर है. मूविंग ऑन योर स्ट्रैटेजी. सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये मैंने अपने ओन रिसर्च जो मैंने अभी अपने खुद का जो आईसीओ का इन्वेस्टमेंट मैंने किया है उसके बेसिस पे है. सो यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर योर प्लान एंड हाउ दैट फिट्स इन टू द टोकन इकोनॉमिक्स. इफ यू आर गोइंग फॉर अ क्विक फ्लिप then seeing a low hard cap, a lot of unmet demand and solid project, that should be all you need. So देखिए आपके strategy पर depend करता है आपका investment का time period क्या है. If you're only looking for quick gains like flipping, तो उसके अंदर अगर बहुत low hard cap है और काफ़ी ज़्यादा hype है और इस hype ज़्यादा है और individual caps बहुत कम है और काफ़ी लोग sideline पर बैठे हैं to buy, तो वहाँ पे आपको एक गेन मिल सकता है. ऑन द अदर हैंड इफ इट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट एंड देयर इजंट लॉट ऑफ फोमो और हाइप अराउंड द प्रोजेक्ट, यू विल लाइकली बी होल्डिंग इट लॉन्गर अंटिल द प्रोजेक्ट हिट्स सम ऑफ इट्स माइलस्टोन्स. सो गाइज ऑन द अदर हैंड क्या है, अगर फोमो ज़्यादा नहीं है, फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, बहुत लोग साइडलाइंस पे नहीं है और सबको आसानी से मिल जा रहा है कॉइन, तो उसमें डिपेंड करता है. अगर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है और आप प्रोजेक्ट को समझते हो और लॉन्ग टर्म में आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ भी आप होल्ड कर सकते हो जब तक कि प्रोजेक्ट्स अपना जो कमिटमेंट है, जो रोड मैप है, उस तरीके का डिलीवर करना शुरू नहीं करता. जैसे डिलीवरी आती है वैसे प्रोजेक्ट का प्राइस अप्रिशिएट होता है. काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कॉइन्स के, लाइक एनिग्मा का आया था इनिशियली, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, हार्ड कैप भी बढ़ा था, लेकिन टीम अच्छी थी और स्लोली जैसे जैसे उन्होंने अपना रोड मैप के जो डिलीवरी थी उनको वो लेके आए, देन इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग. वैसे ही अपना पीपीटी भी था, पॉपुलस, शुरुआत में एक जो इंस्टेंट हाइप था, मतलब इंस्टेंट टोकन का प्राइस अप्रिशिएट हुआ, उसको एकदम से डिक्रीज हुआ. उसके बाद जैसे जैसे बीटा उनका आया, टेस्टिंग आया, तो इट गेव वेरी गुड रिटर्न. आई थिंक इट्स मोर देन 100x फ्रॉम इट्स आईसीओ प्राइस. मैंने आईसीओ में नहीं लिया था बट जैसे ही लिस्ट हुआ था मैंने इसको बाई किया था एंड आई मेड अबाउट 5 to 6 times गेन. सो नीदर स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग, दोनों स्ट्रैटेजी सही है. इट डिपेंड्स अपॉन योर गट फीलिंग एंड योर कन्विक्शन. मेनी टाइम्स इट्स क्लियर टू सी विच आईसीओज विल बी रॉकेट शिप्स एंड विच विल बी स्लोअर बर्नर्स. नाउ यू डोंट नेसेसरली वॉन्ट टू ओनली गो फॉर द रॉकेट शिप्स एंड इग्नोर द स्लोअर बर्नर्स. इट्स डेस्टिनेशन, it is the destination which matters and we all have different strategies. Some people want a quick flip, other wants to hold long term. jaisa ki maine bataya kai aise icos hote hain jo ki initially hi pata chal jata hai in the beginning, very beginning, ki ye ico bahut acha karega. kuch examples hain kyber jab maine whitelist kiya tha 2 accounts se, mere ko bilkul initially pata tha ye 10x hai, guaranteed 10x hai, waisa 0x tha. abhi ek next aa raha hai wo bhi bilkul sure shot lag raha hai ki rocket ship hai.
और कुछ ऐसे होते हैं जो स्लोली अपने डेवलपमेंट के साथ चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एवरी टाइम यू विल गेट रॉकेट शिप्स, कुछ हैं स्लोली भी चलते हैं, जैसे मोडम का आईसीओ था, आराम आराम से चला, तो इस तरीके से यू हैव टू टेक डिसीजन। मूविंग ऑन गाइज, प्रॉफिट बुकिंग इज मस्ट। सो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 30 ICOs मैंने पार्टिसिपेट किया है, 30-32 आई गेस, 4 or 5 ICOs में मेरे को लॉस हुआ है, कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे मैं टाइम नहीं दे पाया, मोस्टली जहाँ भी मेरा लॉस हुआ है वहाँ पे अगर मैं थोड़ा रुकता तो आई वुड हैव सेव्ड दोज लॉस, लेकिन फिर भी व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट बुकिंग एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल, बट कंसिडरिंग द स्टार्टअप फेलियर रेशियो, प्रॉफिट बुकिंग टेकिंग इनिशियल मनी एंड प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल गेन इज प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इज मस्ट नॉट गेन। सो गाइज, अभी ब्लॉकचेन और ICOs बहुत यंग एज में हैं और काफ़ी वॉलेटिलिटी है, अप्स एंड डाउन्स हैं, स्टेबलाइज नहीं हुआ है ये स्पेस, एक ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक मार्केट है, डेट है, बॉन्ड है, तो वहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती क्योंकि वो प्रूवन टेक्नोलॉजी है, प्रूवन स्पेस है। यहाँ पे भी कई ऐसे अप्स एंड डाउन्स आएंगे और बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज हैं, हो सकता है अगले 5 years में 80% कंपनीज नहीं हो जो कॉइन मार्केट कैप में है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है नो मैटर हाउ गुड इज़ दी ICO, आपको प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के, एवरीवन हैज़ इट्स ओन स्टाइल, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं जब ICO में पार्टिसिपेट करता हूँ तो ICO का हाइप फोमो लेवल चेक करता हूँ और उस और प्रोजेक्ट का रोड मैप क्या है, टीम कैसी है, जो मैंने चेकलिस्ट बताया, और अगर काफ़ी ज़्यादा हाइप है तो मैं 4x, 5x, इवन 8-10x पे जाके अपना इनिशियल मनी आउट करता हूँ। लेकिन आजकल ऐसे ICOs आ नहीं रहे क्योंकि अभी थोड़ा मार्केट जो है वो करेक्टिव मोड में है, तो इस तरीके का गेन मिल नहीं रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा एवरेज ICOs हैं वहाँ पे मैं डबल जब भी ICO होता है तो अपना पैसा आउट करके एंड जस्ट वेट फॉर दी फर्दर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स। तो ये डिपेंड करता है, आप 2x पे भी अपना इनिशियल मनी आउट कर सकते हो, 3x, 4x, इवन 10x पे भी, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट्स हाइप। सो ये मैंने एक सीक्वेंस यहाँ पे प्रिपेयर किया है किस तरीके से आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। पहला जो आपका फर्स्ट और फोरमोस्ट जो क्राइटेरिया होना चाहिए, दैट इज कैपिटल प्रिजर्वेशन। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। थिंक इफ यू आर गोइंग इनटू बैटल और यू डू नॉट हैव वेपन्स, वेपन्स तो चाहिए, वेपन्स इज योर कैपिटल, तो आप फर्दर बैटल लड़ सको। सो अगर आपको लगता है कि आपने ICO तो ले लिया लेकिन दिस वॉज रॉन्ग डिसीजन, मेरे साथ भी हुआ है, इट हैज़ हैपेंड, जब मैंने शुरू किया था कुछ क्रैपी ICOs मैंने लिए थे जहाँ पे मेरे को निकलना मुश्किल था, इनफैक्ट आई कट 30, 40, 50% लॉस। तो ऐसा अगर आपको लगे और लग रहा है कि नहीं ये तो बिल्कुल ही अब ख़त्म हो जाएगा, तो 20-30% पे आप एक बार निकल के फिर कहीं और से रिकवरी आप ले सकते हो। उसका बाद दूसरा जो स्टेप होना चाहिए, टेकिंग इनिशियल मनी आउट। अगर आपको लग रहा है नहीं प्रोजेक्ट ठीक है, मैं फंसा नहीं, आई एम नॉट ट्रैप्ड, तो वहाँ पे आप अपना 2x पे, 3x पे, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट्स हाइप एंड अनाउंसमेंट एंड न्यूज़, आप अपना इनिशियल मनी आउट करो एंड देन रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट यू कैन बुक इन फेज्ड मैनर। फिर जैसे मान लो आपने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, 50% मनी आउट कर दिया, अगर आपने डबल पे ही बुकिंग ली तो जो 50% बचा उसको फेज मैनर में आप 15% करके जैसे जैसे हाइप आता है आप बुकिंग लो, प्रोजेक्ट्स अच्छा है तो 20%, 30%, even 50% आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च एंड कन्विक्शन। सो गाइज, ये मेरा एक स्लाइड था और मैंने एक्चुअली आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि हाउ वी कैन मिनिमाइज योर रिस्क एंड कैन प्रोटेक्ट आवर गेन्स। सो गाइज, कुछ और क्विक अपडेट्स मैं आपको देना चाहता हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने यहाँ पे नेक्स कवर किया था। सो नेक्स एक्चुअली जो है टोकन इन्फॉर्मेशन आउट हो गया है, यहाँ पे आपको मैं लिंक शेयर करूँगा। यहाँ पे इनका लॉटरी सिस्टम है, तो आई थिंक इन आपको पासपोर्ट होल्डर होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे वाइट लिस्ट के लिए, आप लॉटरी के लिए एक्चुअली रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट 25,000 जो भी लोग होंगे विनर्स, उनको कैप मिलेगा $1,000 का इन्वेस्टमेंट का, पहले फर्स्ट आवर का। तो आप गाइज इसको आप देख लो, मैं इसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। और कुछ और ICOs हैं जो कि आप रेडार पे रख सकते हो, एक है मेन फ्रेम और एक है इंडोर, काफ़ी अच्छी टीम है और अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप रेडार पे रखो, वाइट लिस्ट आप मिस मत करना। मैं उसका भी वेबसाइट का लिंक
यहाँ पे डाल दूंगा। एक effect.ai भी है जिसका वाइट लिस्ट अभी एक्चुअली आज से स्टार्ट हो रहा है। बाकी आई यूज टू लाइक दैट प्रोजेक्ट बट एक्चुअली MVP नहीं है, तो आई एम स्टिल इन डिलेमा, बट स्टिल यू कैन गो फॉर द वाइट लिस्ट एंड वील सी लेटर। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड लाइकिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।